नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल जनहित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने जहां पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को बनाकर हरियाणा के कर्मचारियों के हित में बात कर रही हो, लेकिन अब उन्हीं कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का चुनावी वादा पूरा करे सरकार। तो जो है कि यानी कि कर्मचारी संघ हरियाणा जो है ये कह रहा है कि राजस्व विभाग के डिट के माध्यम से लगे कच्चे कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा और आगे भी ये जारी रहेगा, क्योंकि जो है कि प्रदेश सरकार के मतलब कि प्रदेश सरकार जो हरियाणा सरकार है उसने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का जो वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी को भी पक्का नहीं किया गया। इसमें इनका कहना है कि भाजपा सरकार लगभग 8 साल और जेजेपी यानी जो चौटाला की सरकार है वो 3 वर्षों से मिलकर ये मतलब सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी तक जो वादा किया था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, अभी तक उनके सारे कर्मचारियों किसी को पक्का नहीं किया गया, यानी कि वादा खिलाफ ही किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इनका कहना है कि पंजाब में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है, तो हरियाणा प्रदेश में क्यों नहीं पक्का किया जा सकता है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय का बहुत पहले का जो फैसला आया था उस पर इन्होंने कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समान काम समान वेतन कर्मचारियों को दिया जाए, तो उनका जो अधिकार है उनको कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा। तो उनका कहना है कि हर सभी कर्म जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं सभी को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन पर जो है कि अभी तक किसी को जो है कि समान काम समान वेतन नहीं मिला, बल्कि अब जो है सभी कर्मचारियों को जो है कौशल विकास निगम लिमिटेड की जैसी कंपनी बनाकर उसमें जो है कि ट्रांसफ़र किया यानी भेजा जा रहा है। तो जो है कि इसका जो है विरोध किया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा कि जो है कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। तो उनका कहना है कि क्योंकि जो निगम रेट है निर्धारित करते हुए यानी जो कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का जो सैलरी तय की गई है वो तय की गई है 3 मतलब श्रेणियों में अलग अलग लेवलों में तय की गई है ये सैलरी, तो इसके खिलाफ मतलब विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।